आगर नाके पर सिंहस्थ क्षेत्र के अंतर्गत गुलमोहर कॉलोनी को अनाउंसमेंट के माध्यम से दो दिनों के भीतर तोड़ने के आदेश देने के बाद एक बुजुर्ग को दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई। आगर नाके पर सिंहस्थ क्षेत्र में बनी गुलमोहर कॉलोनी में बने मकानों को तोड़ने के लिए नगर निगम ने दो दिन में तोड़ने के अल्टीमेटम कॉलोनी के रहवासियों को अनाउंसमेंट के माध्यम से दे दिया है। यह सुनकर सलीम खान पतंग वाले उम्र 60 वर्ष एक बुजुर्ग की दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई। परिजनों का आरोप है कि नगर निगम द्वारा किए जा रहे अनाउंसमेंट से बुजुर्ग घबरा गए और उनका आशियाना टूट जाने के डर से उन्हें दिल का दौरा पड़ा और उनकी मौत हो गई। आपको बता दें कि जिला प्रशासन के द्वारा सिंहस्थ क्षेत्र में काटी गई कॉलोनियों को सन 2016 के सिंहस्थ के बाद अवैध घोषित करते हुए उन पर बने 150 से अधिक मकानों को तोड़ने की कार्यवाही के लिए नोटिस जारी किया गया है। प्रशासन के अनुसार गुलमोहर कॉलोनी की जमीन भी सिंहस्थ क्षेत्र में आती है, इसके चलते यहाँ बने मकानों को भी तोड़ने का अल्टीमेटम प्रशासन ने दे दिया है। वहीं बुजुर्ग की मौत के बाद क्षेत्र में आक्रोश का माहौल है और लोगों का विरोध सड़कों पर उतर गया है। गुलमोहर कॉलोनी के रहवासियों की माने तो गुलमोहर कॉलोनी पहले घटिया तहसील में आती थी, जिसका सर्वे नंबर 246 है। 2016 में सिंहस्थ के दौरान सिंहस्थ क्षेत्र को बढ़ाने के लिए गुलमोहर कॉलोनी को सिंहस्थ क्षेत्र में ले लिया गया, जिसके बाद भी शासन द्वारा कॉलोनी रहवासियों के प्लाट की रजिस्ट्री होती रही। यदि कॉलोनी को तोड़ना ही था तो लोगों को यहाँ पर रहने के लिए जिसने कॉलोनी काटी थी उससे पहले ही रुकवा देना चाहिए था। आज हम लोगों ने अपने जीवन भर की पूंजी यहाँ लगा दी है और प्रशासन द्वारा हमारे आशियाने तोड़ने की मुरादी की गई है। ऐसे में हम लोग भरी ठंड में अपने परिवार को लेकर कहाँ जाएं? प्रशासन को चाहिए कि पहले हम लोगों के रहने के लिए कोई उचित स्थान दे या फिर दूसरी कॉलोनी के रहवासियों को जिस प्रकार मुआवजा दिया गया है हमें भी यह दिया जाए। यह सारी बातें कॉलोनी वालों ने मिलने आए प्रशासनिक अधिकारियों के सामने रखी, जिस पर प्रशासन की ओर से अधिकारियों ने उनकी मांगों को सुनते हुए कुछ समय और दिया है। क्या घटना हुई पूरी? 8 दिन से सर, यहाँ पर 8 दिन पहले नोटिस आया था यहाँ पर गुलमोहर कॉलोनी में। 8 दिन से हम सब परेशान हैं, चिंतित है कि यार क्या होगा उसके विषय में यार हम परेशान हो ही जा रहे थे। अभी 1-2 घंटे पहले प्रशासन की गाड़ी आई कि आपको कल का दिन छोड़ के परसों हम कार्रवाई कर देंगे, आपको मकान खाली करना पड़ेगा। उसके उसमें पिताजी का मेरा घबराहट हुई और वैसे कैसे इंतकाल हो गया सर उनका। क्या नाम है आपका? मोहम्मद सजाद। जिनकी मृत्यु हुई उनका नाम? मोहम्मद सलीम। बताए किस बात की मुआवजी की गई है अभी और किस बात के आप लोग परेशान हो रहे हैं? मेरा नाम शकील अहमद है, गुलमोहर से हूँ मैं। मेरा प्रशासन ये कहना है कि जब यादव ने जो ज़मीन मालिक है उसने कॉलोनाइजर को ज़मीन बेचा, वो सीएस का मुआवजा भी लेता है, ज़मीन भी बेच देता। कॉलोनाइजर उस ज़मीन को बगैर सीएस निकाले कॉलोनी काट देता, प्लाट काट देता, रोड बना देता। इतना सब कुछ होने के बाद भी क्या प्रशासन सोया हुआ था? जब आपने कार्रवाई नहीं की, जब एक मकान बना था अगर उस टाइम कार्रवाई कर देते तो शायद कोई मकान नहीं बनता। धीरे धीरे मकान बनते गए। मेरा कहने मतलब ये कि आप सिंहस्थ भूमि को लेके अतिक्रमण को लेके कोई यहाँ पे वो नोटिस दिए होंगे तो अभी कुछ लोगों का कुछ उन लोगों ने अपनी बात रखने के लिए कहा था, उनसे कहा है कि वरिष्ठ अधिकारियों से बैठ के कल वो लोग चर्चा करेंगे तो बुलाया है, कल बात करेंगे उनसे। सर, इस नोटिस के दौरान किसी की मृत्यु भी हो गई है तो क्या घटना है? अब वो उसका क्या कारण है मृत्यु का वो अलग चीज़ है, लेकिन सिंहस्थ भूमि में चूंकि मकान बने हुए हैं और हम यहाँ कई सालों से रह रहे हैं, हमने कच्चा पक्का मकान बना के रह रहे थे पहले और उसके बाद में जो है हमारे को नोटिस दिया गया है और जब से नोटिस दिया गया है यहाँ अफरा तफरी का माहौल है और पहले भी एक मौत हो चुकी है। पिछली बार जब 21 में नोटिस मिला था यहाँ एक मौत हो चुकी है हार्ट अटैक से और आज जब अनाउंसमेंट हुआ तो एक मौत और हो चुकी है और मैं खुद भी हार्ट पेशेंट हूँ। अगर जो है प्रशासन हम पे अचानक कोई कार्रवाई करता है और हमारा इंतजाम नहीं करता पहले तो आके प्रशासनिक अधिकारियों को हमारे से बात करना चाहिए।